दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सोनल। स्वागत है आपका एमएनएस न्यूज की खास पेशकश में। सवाल आपके, जवाब हमारे। इस खास पेशकश में हम आपको आपके सवालों के सटीक जवाब देते हैं और आपको आपके जीवन को लेकर समस्या संतुष्ट करते हैं। इसी बीच कुछ सवाल आए हैं, तो आइए चलते हैं आज के पहले कॉल की तरफ, जो की आया है तुषार जी का, जो की है भंडारा से। हेलो। हेलो, हाँ, एमएनएस न्यूज़ से बात हो रही है। जी सर, बोलिए। मेरा नाम तुषार है। जी बोलिए। मैं भंडारा का रहने वाला हूँ। ओके। मैं बीकॉम सेकंड ईयर कर रहा हूँ। जी, पिछले कुछ दिनों की बात है, मुझे एक अनजान कॉल आया। जी। वो किसी लड़की का था। जी। इसकी आवाज बहुत मधुर थी और उस दिन से मुझे उसका कॉल लगातार आते रहता है। फोन में बात करते करते हमारी दोस्ती हो गई और दोस्ती प्यार में बदल गई। मैं और मेरा दोस्त आदित्य उसे मिलने के लिए गए थे और जब मैंने उसे देखा तो काफ़ी मॉडल कपड़े पहनी हुई थी। वो तो मुझे पसंद करती है, मैं भी उसे पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे मॉडल लड़की पसंद नहीं है और ना ही मेरे घर वालों को मॉडल लड़कियाँ पसंद है। मैं क्या करूँ, मैं उसे क्या जवाब दूँ, सलाह दें। जवाब देखिए तुषार जी, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसकी सोच से होती है। हो सकता है कि वो कपड़े मॉडल पहनती हो, लेकिन उसकी सोच मॉडल ना हो। और अगर वो जमाने के हिसाब से सोचती है तो क्या बुरा है? अगर आप सोचते हो या चाहते हो कि मैं जैसा चाहता हूँ वो वैसे ही करे, तो फिर आप उसे समझाएं। अगर वो आपसे प्यार करती है तो आपको और आपकी बातों को वो जरूर समझेगी। और वैसे भी सच्चा प्यार करने के बाद कई लड़कियां काफी बदल जाती है और हो सकता है कि आपका प्यार उसकी सोच को बदल देगा, आपकी फैमिली में के सोच में वो रंग जाएगी और फिर आप भी तो उसे पसंद करते हो। जिसकी आवाज मधुर है वो मन से भी शायद मधुर हो सकता है। उसके मॉडल कपड़ों को नहीं बल्कि उसकी सोच को देखो। आइए बढ़ते हैं अगली कॉल की तरफ और दूसरा कॉल है नीलेश जी का, जो कि है गोंदिया से। हेलो। हेलो, एमएनएस से बात हो रही है। जी सर, बोलिए। मेरा नाम नीलेश है। जी बोलिए। मैं गोंदिया का रहने वाला हूँ। एक लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ। जी। हमारे इस प्यार को लगभग एक साल हो रहा है, लेकिन एक साल पहले जब वो पहली बार मुझसे मिली तो हमारे भी दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ। जी। लेकिन उसकी एक सच्चाई मैं नहीं जानता था कि वो शादीशुदा है और एक बेटी की माँ भी है। वो तलाक शुदा है। दरअसल 6 महीना पहले मुझे ये सब सच पता चला, फिर भी मैं उसे माफ कर उसे एक मौका दिया क्योंकि मैं अपने प्यार को खोना नहीं चाहता था। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि उसका दूसरा बॉयफ्रेंड है। जी। अब वो उसे छोड़कर वापस मेरे पास आई। मैं उसे क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप ही कुछ बताएं। ठीक। जवाब देखिए नीलेश जी, आप उस लड़की को मना कर दीजिए क्योंकि वो लड़की आपसे प्यार नहीं करती बल्कि आपको इस्तेमाल कर रही है। अगर वो आपसे प्यार करती है तो सबसे पहले आपको अपनी पूरी सच्चाई बताती, क्योंकि प्यार का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है और उसने अपने प्यार की शुरुआत एक झूठ से की है। और फिर आपके रहते हुए दूसरा बॉयफ्रेंड क्यों रखे, क्योंकि वो आप दोनों का इस्तेमाल कर आप दोनों को ही धोखा दे रही है। आपने जब उससे एक मौका दिया तो वो उसी वक्त सुधरने का फैसला कर सकती थी, लेकिन वो सुधरना जरूर नहीं समझती। मेरी मानिए, आप अपने दिल को समझाइए और उसे मना कर दीजिए। नीलेश जी, एक बात और कहना चाहती हूँ, हमें जो अच्छा लगता है भगवान हमें वो नहीं देता, लेकिन हमारे लिए जो अच्छा है भगवान वो हमें जरूर देता है। इसी तरह आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे पूछ सकते हैं, जरूरत होने पर आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। नमस्कार।